हम बात कर रहे हैं HFCL की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में हमको 3% तक का अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक जो है 151.89 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था इस हाई के ब्रेकआउट को और इसके ब्रेकआउट के बाद 154 के लेवल को इमीडिएट टारगेट के तौर पर। ऑलमोस्ट आज के दिन स्टॉक हमको 154 तक का जंप दिखा चुका है। HFCL का ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश ही है। यहाँ से और अप ट्रेंड हमको दिखा सकता है और अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। इस बात का भी डिस्कशन इससे पहले वीडियोस में हमारा हुआ था। अपने रिसेंट हाई का स्टॉक अब हमको ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है और 150 के ऊपर इस वक्त स्टॉक सस्टेन होता हमको नज़र आ रहा है। लगातार तेज़ी दिखा रहा है HFCL। यहाँ से और अपसाइड HFCL में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न भी देखें तो हमको लगातार हायर हाई चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था ऑलमोस्ट 150-152 के लेवल से, दो देख सकते हैं 145 के सब लेवल पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया और अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। अब अगर गिरावट आती है तो नीचे की ओर 150 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 145 का लेवल और इसके ब्रेकडाउन के बाद मेजर जो सपोर्ट रहेगा 140 का लेवल रहेगा। HFCL के लिए 140 का लेवल मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर हम इसका ट्रेंड लाइन भी देखें दोस्तों, तो देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन में स्टॉक काम करता नज़र आ रहा है। गिरावट पर स्टॉक अपने लो को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा, अपने सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर ही बाउंस बैक कर रहा है, अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, अपने अपसाइड में सस्टेन होता नज़र आ रहा है। यहाँ से और बड़े टारगेट HFCL दिखा सकता है। तो आप इमीडिएट टारगेट की बात करें तो जैसे कि हमने 154 के लेवल को कहा था, इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो 160 नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा। पूरे पूरे चांस बन रहे 160 के ब्रेकआउट के, क्योंकि देख सकते हैं स्टॉक हमको में कहीं पर भी हमको बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही। गिरावट ज़रूर आ रही है, 10-12 पॉइंट का स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। बाउंस बैक के साथ अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है, हम देख सकते हैं इस पर, और लगातार अप ट्रेंड में। तो 160 का लेवल भी HFCL ब्रेकआउट दिखा सकता है। अगर 160 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो उसके बाद इमीडिएट टारगेट 164 और 170 से लेके 180 तक का जंप HFCL दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में ही हमको HFCL में 180 तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।